पदर उपमंडल की लगभग 17 पंचायतों में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए निर्माणाधीन पंजोड पेयजल योजना फिर से विवाद के साए में आ गई है। स्थानीय ग्रामीण पंजोड सोर्स से पानी लिए जाने के विरोध में उतर आए हैं। पिछले करीब 15 सालों से अधर में लटकी 24 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बीते माह ही चौहार घाटी के थलटू खोड का दौरा कर कार्य का जायजा लिया था। उन्होंने योजना के अधूरे कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करने तथा पंजोड मुख्य सोर्स तक पाइपें पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण को लेकर 10 लाख रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन धमचियान पंचायत के ग्रामीण पंजोड सोर्स से पानी न देने को लेकर मुखर हो गए हैं। इस मामले को लेकर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने थलटू खोड में सरकार और जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें 150 अधिक महिला पुरुष शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और जल शक्ति विभाग पानी लेना चाहता है तो उहल नदी से लिफ्ट करके पानी ले जाए। पंजोर सोर्स के पानी का ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार और महकमा निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद नहीं करता है तो ग्रामीण उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्य बंद करवाएंगे। ग्रामीणों के अनुसार पंजोर स्थित रिच्छू नाला सोर्स का पानी ले जाने से आने वाले समय में धमचियान पंचायत के दर्जनों गांव पंजोर, तेरंग, गुराला, ग्रामण शालूपधर, खरियान, बड़ी पंजगाड, मूलंग और थलटू खोड बाजार में पेयजल किल्लत पैदा हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2007 से निर्माणाधीन इस योजना के कार्य का ग्रामीणों ने शुरू से ही विरोध किया था। उस दौरान पंचायत के प्रधान भी ग्रामीणों के साथ विरोध पर उतरे थे, लेकिन अब जल शक्ति मंत्री द्वारा दिए गए प्रलोभन और सड़क के कार्य का टेंडर मिलने के बाद वे ग्रामीणों की समस्या को भूल बैठे, जबकि वर्तमान प्रधान ने ही पंचायत से पानी ले जाने के विरोध में कई बार ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। ग्रामीणों ने सरकार और महकमे को साफ साफ कहा है कि पदर उपमंडल की 17 पंचायतों के लिए पानी ले जाना चाहते हैं तो समीप की उहल नदी से लिफ्ट द्वारा उठाया जाए, अन्यथा ग्रामीण कोर्ट स्टे लेकर कार्य बंद करवाने को बाध्य होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में पूर्व आईपीएच मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पदर उपमंडल की लगभग 1.5 दर्जन पंचायतों में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए योजना तैयार की थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने योजना का शिलान्यास किया था। उस दौरान चम्यान पंचायत के वर्तमान प्रधान ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर पंजोर सोर से पानी ले जाने का विरोध किया था, लेकिन अब वर्तमान प्रधान महकमे का सहयोग कर रहा है तो ग्रामीण मुखर हो गए हैं। कुछ लोग योजना के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ विभाग का सहयोग दे रहे हैं। स्पॉट पर निर्माण कार्य जारी है। फील्ड स्टाफ और इंजीनियर तैनात हैं। जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया वे कम संख्या में थे। इसके लिए हमें बहुत दिक्कत है। गर्मियों में यहाँ पे कितना कम होता है पानी? कम होता है बहुत। काम को बंद किए जाए, यहाँ से नाले से ले जाए, यहाँ से नहीं। कल वहाँ पे थलटू कोर्ट में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था कि वे हम जो काम होने नहीं देंगे इस पर स्कीम का, जो कि 2005 से स्कीम तब सेंक्शन हुई थी हमारी, 2003-04 को सेंक्शन हुई थी और 6 में जो है सारा सामान वगैरह उसका आ गया था। उसके बाद हमने काम पर रोक दिया, फिर भी हम इस लाइन को बीच में लेंगे। और तब से वो लाइन जो है हमारी फंसी हुई थी, फिर फंडिंग हमारी अलग अलग एजेंसीज के थ्रू होती रही, काम करते रही, बीच बीच में काफ़ी काम कर दिया है, दोनों का एक्सपेंडिचर होता रहा। अब हमने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जल्दी मिशन शुरू किया है उसके तहत हमने स्कीम को जो है जो कि 16-17 पंचायतें हैं हमारी उसको फिट करेगी, काफ़ी एजेंसी के जो एरिया लगाने हमारे यहाँ के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसी को हम यूज़ करते हैं, जो पाइपिंग वहाँ पर पड़ी हुई है उन्हीं को बिछाएंगे। और तो उसके लिए भी हमने जो है इसकी स्कीम जो है 2 करोड़ ली है, 5 करोड़ 4 लाख।